शहर में लगी भगवा ध्वज पताकाओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विश्व हिंदू परिषद के विरुद्ध चुनाव आयोग में दी गई शिकायत को विहिप ने झूठा करार दिया है। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने राजनीतिक दल की शिकायत तथा भगवा ध्वज उतारने का विरोध करते हुए मीडिया के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि विश्व हिंदू परिषद ने दलगत राजनीति अथवा किसी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए भगवा ध्वज नहीं लगाए हैं तथा यह शिकायत झूठी है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज हजारों वर्षों से नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाता रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम लला की प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राममय हुआ है। इसी उपलक्ष में हिंदू अपने प्रतिष्ठानों, बाजारों और घरों में भगवा ध्वज, जो हजारों वर्षों से हिंदू समाज का प्रतीक है, लगाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और इस बार रामनवमी में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। उपाध्याय ने कहा कि विहिप क्षेत्र मंत्री के नाते में यह बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद ने ये भगवा ध्वज नहीं लगाए हैं। आज देश भर में जितने भगवा ध्वज दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हिंदू समाज ने अपने प्रतीक स्वरूप लगाए हैं। इनका दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उपाध्याय के अनुसार बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक लोग सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और भगवा ध्वज से चिढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी मानसिकता के लोगों ने समझना चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हिंदू समाज को जो ठेस न पहुंचाए, ऐसा हम निवेदन करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि भगवा ध्वज उतारने की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए, अन्यथा हिंदू जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने स्वस्थ मन से 100% मतदान और लोकतंत्र की सफलता की कामना की है। हजारों सालों से नवरात्रि के उत्सव हिंदू समाज धूमधाम से मनाता है। 9 दिन के व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, घरों में पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राममय हुआ है। इस कारण से इस वर्ष की रामनवमी में पूरे देश भर में अतिरिक्त उत्साह हिंदू समाज में दिखाई देता है। उसी के उपलक्ष में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू समाज ने मंदिरों में, घरों में भगवा ध्वज, जो हिंदू समाज का हजारों सालों से प्रतीक है, वह भगवा ध्वज लगा करके अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दलों ने इस लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख करके इस भगवा झंडे को लगाने की शिकायत निर्वाचन आयोग को की है कि यह भगवा ध्वज विश्व हिंदू परिषद ने लगाए हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद का क्षेत्र मंत्री यह बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद ने कोई भी भगवा ध्वज नहीं लगाया है। ये जितने भी देश भर में, शहर में झंडे मंदिरों में दिखाई देते हैं, वह हिंदू समाज ने हिंदू समाज के प्रतीक भगवा ध्वज लगाए हैं। इनका दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह झंडे स्थानीय समिति के लोग अपने उत्साह से, मंदिर समिति के लोग लगाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के राजनीतिक लोग सनातन से, हिंदू धर्म से, भगवा ध्वज से वैसे ही चिढ़ते हैं जैसे लाल रंग को देख करके सांप बिदकता है। यह हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं, इनको विचार करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह करें, लेकिन हिंदू समाज की ठेस पहुंचाने का काम नहीं करें, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। निर्वाचन आयोग से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में विश्व हिंदू परिषद ने कोई भी भगवा ध्वज किसी दलगत राजनीति के तहत किसी को लाभ देने की दृष्टि से नहीं लगाए हैं। यह शिकायत झूठी है और मैं निर्वाचन आयोग से आग्रह करना चाहूंगा कि जो झंडे उतारने की कार्रवाई की जा रही है उसको तुरंत रोका जाए, अन्यथा हिंदू भाव जनमानस की भावना को ठेस पहुंचेगी, वह ठीक नहीं होगा। इसलिए शुद्ध रूप से, अच्छे मन से, स्वस्थ मन से चुनाव हो, सब लोग 100% मतदान करें, ऐसा आग्रह है।
और जो भगवा ध्वज हिंदू समाज के प्रतीक हैं उनको उतारने की कार्यवाही तुरंत रोकी जाए।